पूरा देखें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पैनेट आपके टिकॉन है, मैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ता है कि इसमें इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो वो हमारा गामा आईसी होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, दोनों साइड रेजिस्टेंस है, और इसके बीच में जो ये आईसी है, हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड, मैं सूरज, एलईडी एलसीडी ट्रेनर। आज आपको इस वीडियो में टिकॉन बोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा कि टिकॉन बोर्ड में कौन कौन सी आईसी होती है, और आईसी को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आईसी की पहचान करते हैं, और कौन सा आईसी का क्या कार्य होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को आप पूरा देखें। जब अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको फिर वो चीज़ नहीं देख पाते हो, फिर आप कमेंट करते हो कि सर ये चीज़ हमें नहीं मिल रहा है, हमें ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। तो जब तक आप पूरा नहीं देखते हो तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पैनल रिलेटिव, टिकॉन रिलेटिव, या फिर बोर्ड रिलेटिव, किसी भी तरह का, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, हम उस पर आपको वीडियो बना के जरूर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा टिकॉन बोर्ड होता है वो कितने टाइप का होता है। टिकॉन बोर्ड हमारा दो टाइप में आते हैं, एक हमारा सिंगल टिकॉन आता है, एक हमारा कॉम्बो टिकॉन आता है। जो हमारा कॉम्बो टिकॉन होता है, जिसको हम स्केलर टिकॉन कहते हैं, वो हमारा इस टाइप का होता है, जिसमें हमारा स्केलर और टिकॉन एक साथ इनबिल्ड होता है। और जो एक हमारा सिंगल टिकॉन होता है, वो हमारा इस टाइप का आता है, जिसमें हमारा सिर्फ टिकॉन होता है, इसमें अलग से स्केलर के लिए सप्लाई जाती है। अब टिकॉन बोर्ड पे ही हमारा सारा सिग्नल बनता है, सभी तरह का इसमें वोल्टेज बनता है। अब इसमें कौन कौन सी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये हर एक चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको टिकॉन बोर्ड दिखाते हैं कि टिकॉन बोर्ड होते क्या है, और इसमें जो आईसी होती है, कौन कौन सी आईसी होती है, और क्या आईसी की कौन सी काम होती है, और हमें क्या क्या चीज चेक करना होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारे पास टिकॉन बोर्ड है और ये हमारे पास स्केलर टिकॉन है। तो अब इन दोनों में जो होती है, आईसी सेम होती है, सिग्नल सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। जो हमारे ब्रांड के टीवी होते हैं, या फिर जो हमारे लगभग 32 इंच से ऊपर वाले टीवी होते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको ये टिकॉन और स्केलर अलग से आपको दिखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे असेंबल टीवी मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें यही टिकॉन आपको दिखेंगे, जिसमें स्केलर और टिकॉन एक साथ इनबिल्ड मिलता है। तो सबसे पहले हम टिकॉन बोर्ड की बात करते हैं। तो टिकॉन बोर्ड में हम कैसे कौन सी आईसी की पहचान करते हैं, और कौन कौन सी आईसी का क्या काम होता है, वो चीज हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास इतने टाइप के टिकॉन है, मैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ता है कि इसमें इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो इनपुट साइड हमारा क्या है, ये हमारा डबल FFC का, यानी कि बड़ी स्क्रीन का है, और ये हमारा क्या है, इनपुट है, यानी कि यहाँ पे हमारा LVDS केबल इनपुट होता है। अब ये LVDS केबल जो इनपुट होता है, वो LVDS केबल यहाँ से पैनल वोल्टेज, यानी कि जो BCC वोल्टेज होती है, जो हमें पैनल को चलने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो 12 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, अगर लैपटॉप का स्क्रीन है तो 3.3 वोल्ट। तो टीवी में हमें 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की BCC सप्लाई की जरूरत होती है। उसके बाद इसमें हमारा सिग्नल चलता है। अब सिग्नल जो हमारा चलता है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो हम आपको बहुत जल्द सिग्नल पे भी वोल्टेज कैसे, सिग्नल का वोल्टेज चेक करते हैं, सिग्नल क्या होती है, सिग्नल को कैसे चेक करते हैं, ग्राउंड के साथ क्या वैल्यू होती है जब हम इसको चेक करते हैं, तो हम ये भी आपको एक वीडियो जरूर देंगे, और बहुत जल्द देंगे हम अपने चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो आइए, तो इस LVDS केबल पे VCC और सिग्नल जो आता है, वो हमारा RX -0 -0+, जो हमारा RGB का फॉर्मेट चलता है, रेड ग्रीन ब्लू, वो वाला सिग्नल आता है। फिर हमारा क्लॉक डाटा का सिग्नल आता है, जिसमें हमारा HD, नॉन HD, फुल HD, 4K पेयर में जो आता है सिग्नल, इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम।
तो यहां से जब हमारा बीसीसी या फिर सिग्नल जितने भी आते हैं जो हमारे एलबीडीएस से आते हैं, इसके बाद हमारा सप्लाई सारा जाता है, ये हमारा जो आईसी होता है, इस आईसी को हम कहते हैं प्रोसेसर आईसी, जिसको हम एमसीयू भी कहा जाता है, जिसको एमसीयू भी कह सकते हैं टीकॉन का, लेकिन इसको हम प्रोसेसर आईसी करते हैं, क्योंकि यही आईसी हमारा एक ऐसा काम करता है जो सभी तरह के आईसी को प्रोसेसिंग डाटा देता है, यानी कि इनेबल डाटा देता है, तो यही हमारा मेन प्रोसेसिंग आईसी होता है। इसी के नियर बाय में एक टिकॉन आईसी लगा होता है, और किसी किसी बोर्ड में टिकॉन आईसी ना होने का वजह होता है कि उसके डीसी टू डीसी आईसी के अंदर टिकॉन आईसी इनबिल्ड हो जाता है। जैसे अब जितने नए जनरेशन के आ रहे हैं उसमें ज्यादातर क्या किया जाता है कि टिकॉन और डीसी टू डीसी आईसी को एक साथ इनबिल्ड कर दिया जाता है। अब जितने हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाते हैं उतने शॉर्ट में इसको काम में लिया जाता है, तो आपको भी पता होगा। और आप जो कंपनी हमारी लॉन्च करती है वो उतनी ही पिन की आईसी लॉन्च करते हैं जितना पिन को उसके रिक्वायरमेंट होता है, फालतू का पिन वो नहीं देता है। चलिए अब जैसे यहाँ से हमारा सारा सिग्नल आया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिग्नल सारा हमारा आ रहा है कहाँ पे, प्रोसेसर आईसी पे। अब प्रोसेसर आईसी किसको दे रहा है, टिकॉन आईसी को। और टिकॉन आईसी को और प्रोसेसर आईसी से मिलने से पहले एक हमारा जो वीसीसी सप्लाई होता है वो एलबीडीएस केबल से सीधा डीसी टू डीसी आईसी। अब कैसे हम पहचान करें डीसी टू डीसी आईसी की, तो जहां पे हमें क्वाइल लगे हुए नजर आते हैं, जिसके दोनों तीनों चारों तरफ क्वाइल लगे रहते हैं, वो आईसी हमारा जो होता है वो डीसी टू डीसी आईसी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो तीन चार क्वाइल लगे हुए, इस चार क्वाइल के बीच में एक आईसी है, ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी है। इस डीसी टू डीसी आईसी की बात की जाए तो हमारे अगर टिकॉन बोर्ड की बात करते हैं तो टिकॉन बोर्ड में 90% जो हमारा फॉल्टी या वर्किंग दोनों की बात करें तो डीसी टू डीसी आईसी ही होती है। अगर सबसे ज्यादा खराब होने वाली आईसी की अगर कोई बात हो तो डीसी टू डीसी आईसी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आईसी की बात हो, खैर इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज होता है, हर एक कंपोनेंट होता है, लेकिन उसमें में भी जो कुछ खास इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट में ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट वाला आईसी होता है, जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है। तो डीसी टू डीसी आईसी जो हमारा होता है वो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सभी तरह का वोल्टेज यहीं से आउटपुट होगा, जैसे कि हमारा पिक्चर बनना, पिक्चर को ऑफ ऑन, जैसे हमारे टीएफटी के अंदर यानी कि पैनल के अंदर जो मॉस्फेट लगे होते हैं उस मॉस्फेट को गेट को कब ऑन करना है, कब उसको गेट को डिस्चार्ज करना है, कब चार्ज करना है, ये काम सभी काम हमारा जो होता है वो डीसी टू डीसी आईसी से ही करवाया जाता है, क्योंकि यहीं से हमारा वीजीएच वीजीएल का वोल्टेज निकलता है। वो कैसे निकलता है इसके ऊपर भी हम एक वीडियो आपको बना के देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक आईसी होता है जिसका नाम होता है गामा आईसी। अब गामा आईसी का काम क्या होता है भाई, तो गामा आईसी का काम होता है किसी भी तरह का पिक्चर में कलर का डिसकलर होना या फिर उल्टा स्क्रीन बनना। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके टीवी में मिरर स्क्रीन बनता हो, यानी कि स्क्रीन उल्टा बनता हो, या फिर कलर फेल्योर हो जाए, नेगेटिव कलर आपको देखने को मिल जाए, तो वो हमारा गामा आईसी से प्रॉब्लम। गामा आईसी का ये पहचान होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिस आईसी के नियर बाय में, करीबन यहाँ पे 0.1 से लेकर 16 तक का आईसी यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि 16 रेजिस्टेंस एक साथ लगे होते हैं पैरेलल सीरीज कंडीशन में, वो हमारा गामा आईसी होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, दोनों साइड रेजिस्टेंस है, और इसके बीच में जो ये आईसी है, ये आईसी हमारा गामा आईसी होता है। अब गामा आईसी को चेक कैसे करते हैं, डीसी टू डीसी आईसी को कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि हमारा सही है या खराब है, उसके ऊपर भी हम आपको एक बहुत जल्द वीडियो देंगे। उसके बाद इसमें एक आईसी होता है जो मेन हमारा बहुत काम का आईसी होता है, जिसे सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है, उस आईसी से ही हमारा जो सीकेवी लाइन का जो निर्माण होता है उसी आईसी से होता है। अमूमन लोगों को नहीं पता होता, लोग सीकेवी लाइन काट देते हैं। अब हम बात करते हैं सीकेवी लाइन काट देते हैं, सीकेवी लाइन काटना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सीकेवी लाइन के बारे में अगर आपको नॉलेज है सीकेवी लाइन क्यों शॉर्ट हो रहा है तो आपको सीकेवी लाइन काटने का जरूरत नहीं होता है। सीकेवी लाइन जो हमारा बनता है वो हमारा स्कैनर आईसी से बनता है, जिसको हम लेवल शिफ्टर आईसी के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये जो हमारा दो आईसी लगा हुआ है ये हमारा लेवल शिफ्टर आईसी होता है, इस आईसी से हमारा सीकेवी लाइन का निर्माण होता है। ये आईसी तब हमारा वर्किंग करता है जब हमारे यहाँ पे कोर वोल्टेज जनरेट होता है। अब कोर वोल्टेज कैसे जनरेट होता है उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे, जब हम डीसी टू डीसी आईसी बताएंगे तो उसी में हम आपको बताएंगे कि कोर आईसी वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। अब इस आईसी से आने वाले प्रॉब्लम कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन में वाइट स्क्रीन आ जाना, या फिर कुछ देर पिक्चर चढ़ने के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आ जाना, बार्स आ जाना, यानी कि पिक्चर में फ्लैक्चुएशन आ जाना, पिक्चर में कलर का डिसकलर, मतलब हाफ स्क्रीन चलना, हाफ स्क्रीन नॉट वर्किंग,
मतलब स्क्रीन हाई पावर में जाते ही थोड़ा मतलब बर्निंग मोड में जाना, मतलब कई तरह का प्रॉब्लम इससे आता है, तो वो चीज आपको हम बताएंगे, प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाते रहेंगे। चलिए, उसके बाद इसमें एक आईसी आता है जो 8 पिन का आईसी होता है, वो आता है ईपीपी रोम आईसी, जो हमारा प्रोग्रामेबल आईसी रहता है। इसी प्रोग्रामेबल आईसी के मुताबिक जो हमारा प्रोसेसर आईसी होता है और इसके सपोर्टिंग में जो टिकॉन आईसी लगा रहता है, इस दोनों आईसी का काम होता है जो बाकी के हमारे आईसी लगे होते हैं उस आईसी को इनेबल करना, यानी कि कब उसको कौन से आईसी को एक्टिवेट करना है और कौन से आईसी को कब डीएक्टिवेट करना है। ये हमारे मेन जो होता है वो प्रोसेसर आईसी का काम होता है। अब प्रोसेसर आईसी जो काम करता है वो हमारा जो ये ईपीपी रोम आईसी होता है, जो 8 पिन का हमारा ईपीपी रोम आईसी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या 8 पिन का ईपीपी रोम आईसी होता है, ये ईपीपी रोम आईसी से ही वो काम होता है, क्योंकि इसमें हमारा सबसे पहले डाटा को प्रोग्राम करके दिया जाता है कि कब कौन से सीक्वेंस पे हमें ये करना है। अगर हम इसकी सीक्वेंस की बात करें, एलईडी की सीक्वेंस की, तो हम जो डिनोट करते हैं इसको हम S0 से डिनोट करते हैं। अब जैसे इसमें S0 से स्टार्ट होता है, तो S0 पे सबसे पहले इसमें पावर आता है जो 220 वोल्ट का आता है। जैसे ये S1 में जाता है तो यहाँ से 12 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, S2 में अलग चीज, तो इस तरह से इसको हम टोटल S10 तक ले जाते हैं, और S11 में जाने के बाद हमारा पिक्चर जो होता है वो हमें दिखाई देता है, यानी कि हमारा पैनल जो होता है, जो पैनल के अंदर जो हमारा मॉस्फेट लगा होता है उसका गेट चार्ज हो जाता है, जिससे हमें पैनल पे वीडियो देखना या किसी भी तरह का जो हम मीडिया प्लेयर या किसी भी इनपुट कलर देते हैं, चाहे जो भी चीज से हम उसको इनपुट लें, वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी टिकॉन बोर्ड की। अगर हम बात करते हैं स्केलर बोर्ड की, तो स्केलर बोर्ड में भी सेम ही चीज होता है, उसमें भी कुछ खास ऐसा चीज नहीं होता, इसमें भी सेम ही चीज होता है। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दो चीज मिलेंगे, दो चीज क्या मिलेंगे इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे। इसमें भी वही चीज होता है जो हमारे इस चीज में होता है, ये हमारे पास बहुत सारे स्केलर है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाएं थे, तो देखिए हम आपको स्केलर में भी दिखाते हैं, इसमें भी सेम फंड चीज होता है। आप जो देखिए यहाँ भी हमारा LBDS आता है, लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि इसमें हमारा प्रोसेसर आईसी ना देखे, प्रोसेसर आईसी ना देकर इसमें हमारा जो गामा आईसी होता है उसमें हमारा प्रोसेसर आईसी को क्या किया गया है, इनबिल्ड कर दिया गया, और जो टिकॉन आईसी होता है उसको हमारे DC-to-DC आईसी में इनबिल्ड कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा जैसे LBDS से केबल आता है, तो यहाँ से सारे सिग्नल हमारे गामा आईसी और जो हमारा प्रोसेसिंग आईसी है वो एक साथ इनबिल्ट है। गामा आईसी की पहचान कैसे करते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे होते हैं। उसके बाद सीरीज में क्या किया गया, यहाँ पे हमारा गामा आईसी का मेन जो कलर वाला रजिस्टर है वो यहाँ पे हमें दे दिया गया है, जो हमारे गामा आईसी को वोल्टेज को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप डाउन करता जाता है, स्टेप डाउन करता जाता है। उसके बाद इस दो क्वाइल के बीच में जो हमारा ये आईसी लगा होता है, ये आईसी हमारा DC-to-DC आईसी हो गया, और इसी के अंदर हमारा जो होता है वो टिकॉन भी इनबिल्ड है। उसके बाद ये हमारा जो आईसी आप देखते हैं, ये हमारा लेवल शिफ्टर आईसी हो गया, और ये आईसी जो हो गया ये भी हमारा लेवल शिफ्टर आईसी, और ये 8 पिन का जो मेन प्रोग्रामेबल आईसी होता है ये हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज समझाना चाह रहे थे, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि टिकॉन के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इसमें कुछ और भी नॉलेज चाहिए, मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं इसके वोल्टेज के ऊपर आपको बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूं, उसके बाद इसमें से बहुत सारे आईसी से जो आईसी को कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा इसमें। अगर आपको एक बेहतरीन पैनल रिपेयरिंग का कोर्स करना हो या सीखना हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, या फिर जो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पर आप पहले कॉल करें, यहाँ पे आप जानकारी लें, हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था करवाई जाती है, यहाँ पे हर एक तरह का सुविधा आपको दिया जाता है, तो आप यहाँ पे आइए, या फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली उत्तम नगर में, यहाँ पे आके आप पहले डेमो क्लास लें, डेमो क्लास में आप देखें कैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल काम चल रहा है अभी या नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे अगल बगल में भी बहुत इंस्टीट्यूट चलते हैं, लेकिन आप हर जगह जाइए, लेकिन एक बार यहाँ पे आके जरूर देखिए कि आपको कैसा फैकल्टी मिल रहा है और कैसा काम मिल रहा है, कैसा आपको सिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप कहीं भी सीखने जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो एक बार आप देखिए ना जाके क्या दिक्कत है, सीखिए,
आपको सीखना है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको कोई हाथ पकड़ रहा, सीखना है, बेहतरीन एक बनना है अपने फील्ड में, अपने मार्केट में कि हाँ करना है, तो आइए हमसे जुड़िए, हम आपको वैसा बना के देते हैं। हमारे यहाँ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।